इस वीडियो के बाद आपका लेग तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन जिन लोगों के स्टेबल FPS नहीं रहते उनके स्टेबल FPS भी आने लग जाएंगे। मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों का कमेंट आया उनके पास 16 GB रैम है और i7 i9 प्रोसेसर, लेकिन उनके स्टेबल FPS भी नहीं मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनके ज्यादा FPS मिलते हैं। तो चलो उन सब चीज का इस वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये है हमारी इंटरमीडिएट टू प्रो सीरीज, जिसमें हम आपको बताने वाले इंटरमीडिएट से प्रो लेवल तक के फ्री फायर के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। लेकिन जो भी फ्री फायर में नया हो वो इस सीरीज से पहले हमारी बिगिनर टू एडवांस वाली सीरीज जरूर देख लेना एक बार। और हमारी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। फिलहाल बढ़ते हैं हम इस वीडियो में, हमें कुछ क्या करना है। वैसे तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स बनी पीसी और लैपटॉप दोनों प्लेयर के लिए, लेकिन लैपटॉप प्लेयर ज्यादा ध्यान देना इस पर, क्योंकि इस चीज के बाद अगर आपकी बैटरी ड्रेन हो तो आप इस चीज को अंडू कर सकते हो। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब इसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना होगा आपके लैपटॉप या पीसी के बायोस में। देखो मेरा बायोस ESC से स्टार्ट होता है, तो आपका जिस भी बटन से स्टार्ट हो आपको उसके स्टार्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना होगा, एक बायोस सेटअप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तब उसमें चले जाना। ऊपर आपको मेन सिक्योरिटी एडवांस और UEFI ड्राइवर्स देखने को मिलेगा, तो आपको एडवांस वाले ऑप्शन में चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो एक बार आपको उस पर क्लिक कर देना, चाहे आप बटन से करो। फिर उसके अंदर आपको यहाँ पर देखो कैसे भी ऑप्शन मिलेंगे, टर्बो बूस्ट मिलेगा एक, और फिर इसमें आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो नीचे भी एक और इनेबल टर्बो बूस्ट ऑन DC ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, तो आपको इसको भी ऑन कर देना। यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी फॉर डायरेक्ट एड को भी कर देना टिक, और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो जो मेरे टिक है उन सबको आपको टिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपके इसमें एडिशनल टिक है तो उनको टिक रहने देना है। इतना करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। इसके बाद जिसके इसमें गेम बार रहता है उसको आपको विंडो प्लस G प्रेस करना है, और उसके बाद इसकी सेटिंग में चले जाना है आपको, ठीक है। जिसके इसमें रहता है सिर्फ उसी के इसमें करना है। फिर इसके बाद आपको विजेट्स में जाना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड इन द बैकग्राउंड व्हाइल आई एम प्लेइंग को अनटिक कर देना, ठीक है। ये आपका टिक रहेगा तो इसको एक बार अनटिक कर देना। जिसके इसमें ये सेटिंग हो सिर्फ उसी को करना है, जिसके इसमें ये सेटिंग नहीं हो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आपको जाना है आपके सर्च बार में, और यहाँ पर लिखना है टर्न ऑन गेम मोड, ठीक है। टर्न ऑन गेम मोड लिखने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा, तो आपका जो गेम मोड होगा अगर ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर देना है आपको। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ग्राफिक्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ग्राफिक्स पर जाना है, और ग्राफिक्स पर आपको जाने के बाद यहाँ पे देखो एक ब्राउज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, एंड डेस्कटॉप ऐप के नीचे ब्राउज वाला, जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको इस ब्राउज वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है, तो ये आपको ले जाएगा आपके सिस्टम की फाइल में, जहाँ पर आपकी फाइल रहती है। तो यहाँ पर आपको लोकल डिस्क C में जाना है, और प्रोग्राम फाइल के अंदर जाना है, और प्रोग्राम फाइल के अंदर यहाँ पर आपको अगर ब्लूस्टैक्स है तो ब्लूस्टैक्स देखने को मिल जाएगा। मेरा MSI था उस टाइम पे, तो MSI देखने को मिलेगा, तो ब्लूस्टैक्स MSI के अंदर चला गया। अगर आप ब्लूस्टैक्स वाले हो या फिर MSI वाले हो, दोनों को ही एक ही सेम फोल्डर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है HD प्लेयर, ठीक है। HD प्लेयर आपको सबको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लूस्टैक्स भी उसी पर चलता है और MSI भी उसी पर चलता है। तो आपको कुछ इस प्रकार का सबसे लास्ट में एक HD प्लेयर देखने को मिल जाएगा, तो आपको उस पर एक बार क्लिक करके ऐड कर देना है। नीचे ऐड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, तो इस पर ऐड कर देना। देखो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा था, तो मेरे पास आ गया स्पेसिफिक एक पास ऑलरेडी सिलेक्ट। इतना करने के बाद आपको इसको क्रॉस कर देना है। इसके बाद आपको आपके PC या कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको विंडो प्लस R प्रेस करना है। विंडो प्लस R प्रेस करोगे तो कुछ इस प्रकार का रन खुल जाएगा, तो आपको इस रन में आपको लिखना है services.msc। ये जो मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना, आपको इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। इतना करने के बाद आपको एंटर कर देना है। फिर कुछ इस प्रकार की विंडो खुल जाएगी, तो इसमें आपको यहाँ पर ढूंढना है डायगोनिस सर्विस होस्ट, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही ढूंढना है डायगोनिस्ट सर्विस होस्ट। फिर इस पर आपको राइट क्लिक करना, फिर इसकी प्रॉपर्टी पर जाना, और प्रॉपर्टी पर जाने के बाद इसको आपको यहाँ पर एक स्टॉप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अगर स्टॉप वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिले तो आपको डायरेक्ट इसको डिसेबल कर देना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी डिसेबल करके रखा हूँ, फिर डिसेबल करके इसको आपको अप्लाई करके ओके कर देना। इसके बाद आप थोड़ा इसी में नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिला सिस्टम मेन्स, ठीक है। तो आपको सिस्टम मेंस पर भी वही प्रोसेस करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टी पे जाना है, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद अगर यहाँ पर आपको स्टॉप वाला ऑप्शन देखने को मिले तो आपको स्टॉप पर कर देना है, नहीं तो आपको डायरेक्ट डिसेबल पर करके इसको अप्लाई करके ओके कर देना। और इसके जैसे आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना है और वहाँ पर विंडो अपडेट देखना है। विंडो अपडेट देखने के बाद आपको इस पर भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप वाला ऑप्शन देखने को मिले तो स्टॉप पर क्लिक कर देना, वरना आपको डायरेक्ट इसको डिसेबल करके अप्लाई करके ओके कर देना है। इसके बाद आपको फिर से विंडो प्लस R प्रेस करना है, और यहाँ पर आपको लिखना है MS कॉन्फिग, क्या था कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। MS कॉन्फिग लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर बूट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो बूट वाले पर क्लिक करना है। फिर एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेसर और मैक्सिमम मेमोरी दोनों पर अनटिक आएगा, तो आपको इन दोनों पर ही टिक कर देना है, ठीक है। इसमें अनटिक आएगा ऑलरेडी, तो इन दोनों पर ही आपको एक बार टिक कर देना है। फिर उसके बाद इसको आपको ओके करके अप्लाई करके एक बार आपका PC को रिस्टार्ट करने को बोलेगा, तो आपको एक बार PC को रिस्टार्ट कर लेना है। इसके बाद जाना है आपको आपके PC के क्रोम में, और यहाँ पर लिखना है QCPU, ठीक है। QCPU आप जैसे लिखते हो उसके बाद आपको कोई सी भी ऑफिशियल किसी भी साइट से डाउनलोड कर लेना है, लेकिन इसको आपको सिर्फ डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या तो आपको PC जो PC वाले उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो लैपटॉप है उनकी बैटरी इसके बाद ज़्यादा चाटने वाली है, ठीक है, इसलिए लैपटॉप वाले थोड़ा ध्यान देखना। फिर उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना, सबको आता ही होगा भाई इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो आपको QCPU को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद फिर से आपको आना है आपके क्रोम में, यहाँ पर लिखना है स्मार्ट गेम बूस्टर, तो स्मार्ट गेम बूस्टर को भी आपको उसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लेना। इसकी सबसे नंबर वन पे आपको इसकी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी डाउनलोड करने की, तो इसको आप डाउनलोड कर लेना।
फिर उसके बाद आपको भी इसको भी इंस्टॉल करने का तरीका तो पता ही होगा आपको, इसको भी आपको जैसे भी इंस्टॉल करना चाहता हो उस प्रकार से इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले खोलना है क्यूक सीपीयू, ठीक है। क्यूक सीपीयू कुछ आपका इस प्रकार ओपन होगा, तो जिसमें आपको सब कुछ बताएगा कि आपका कितना पीसी का सीपीयू है, कितना टेम्परेचर उसका, लेकिन इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपको नीचे कोर ब्रेकिंग फ्रीक्वेंसी परफॉर्मेंस सब देखने को मिलेगा, तो आपको जो नीचे वाले दिख रहे हैं उनको आपको 100 वे सबको कर देना, उसके बाद आपको इसको अप्लाई कर देना। जो हमने दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था आपको उस पर चले जाना है, उस पर स्मार्ट गेम बूस्टर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखो ऊपर परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर एक स्कैन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये तीन चारों चीज़ को स्कैन करेगा, या तो आपको इसको जब तक स्कैन होता है तब तक साइड में HUD लिखा हुआ है, तो HUD को आपको टर्न ऑफ कर देना है, ठीक है। ये ऐसे ही बैकग्राउंड में वरना आपकी मेमोरी खाएगा, तो आपको इसको कर देना है। फिर उसके बाद आपको देखो यहाँ पर साइड में कि ये स्कैन हो रहा है, तो इसको स्कैन हो जाने देना है। स्कैन होने के बाद आपको यहाँ पे एक फिक्स वाला बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इसको फिक्स पर क्लिक कर देना, जिससे क्या रहेगा आपकी जितनी भी सिस्टम की टेम्प्रेरी फाइल रहेगी वो सारी की सारी क्लीन हो जाएगी। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर ऊपर बूस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिला है, तो बूस्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना यहाँ पर डायरेक्ट, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पीसी बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो आपका देखो पीसी बहुत ही ज़्यादा एकदम से ब्राइटनेस बढ़ जाएगी उसकी पीसी की, और कुछ इस प्रकार का आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको सिंपली क्रॉस कर देना। देखो जो लास्ट वाला गेम बूस्टर बताया मैंने आपको, इसको तभी ऑन करना है जब आप गेम खेलो, अगर आप गेम नहीं खेल रहे हो तो आप इसको बंद रखना, क्योंकि अगर आप गेम खेलते खेलते इसको चालू रखोगे तो आपकी बैटरी यानी लैपटॉप वाले की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी। इसके बाद आपका लेग तो फिक्स हो जाएगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को कमेंट करना और भाई सब्सक्राइब भी कर देना। और हमारी इंटरमीडिएट टू प्रो और बिगनर टू एडवांस दोनों सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो एक बार उन पर भी जरूर नजर डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।